press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. On your left, Kangana. On your left, here. हाँ जी, सबसे पहले आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई. द फिल्म टचेस द हार्ट. मेरा सवाल आपसे ये है कंगना, पहले तो आपसे सवाल ये है कि क्या आप इस फिल्म को ढूंढ रही थी या इस फिल्म ने आपको ढूंढा? बिकॉज द फिल्म इज पंगा एंड यू हैव मेड योर ओन वे एंड आपने भी पंगे बहुत लिए हैं इस यहाँ तक आने के लिए. सो व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट? आई थिंक इस फिल्म ने मुझे ढूंढा कहीं ना कहीं. जब आपकी पर्सनैलिटी उससे रेजोनेट करती है. मेरा संघर्ष सबके सामने बहुत ही इज लाइक एन ओपन बुक. और मैं भी काफ़ी बात करती रहती हूँ अपने संघर्ष के बारे में कि मैं कैसे इस मुकाम तक पहुँची हूँ. और उसके साथ में ही आई ऑलवेज कीप चैलेंजिंग द यू नो स्टेटस को. एंड उसके करके आई थिंक कहीं ना कहीं अश्विनी जी ने देखा होगा ये मेरा तेवर. बट आई पर्सनली फील इट इज़ अ स्टोरी दैट इज़ वेरी क्लोज टू अश्विनी मैम एंड आई फील दैट ये इन्हीं की कहानी है. कबड्डी तो इन्होंने उसमें डाला है बिकॉज ये एक तरह का एक फिल्म के लिए डिवाइस है कबड्डी. इट कैन बी इट्स अ मेटाफोर फॉर एनी ड्रीम. ज़रूरी नहीं है आप कबड्डी खेले, जिंदगी में स्पोर्ट्स ही करें. कोई भी एक वुमन आफ्टर प्रेगनेंसी इट शी फाइंड्स इट वेरी हार्ड टू बाउंस बैक. और अलॉन्ग विद रिस्पेक्ट आई थिंक कहीं ना कहीं कोऑपरेशन हमें पूरे समाज का चाहिए होता है. तो आई थिंक ये जब मैंने ये कहानी सुनी तो मैं भी एक्चुअली रो दी थी क्योंकि मैंने इतना बारीकी में इस बारे में कभी नहीं सोचा कि एक मदर को क्या फील होता होगा. तो ये इन्हीं की कहानी. मैं तो इनको कहती हूँ तुम्हारी बायोपिक है ये. हेलो हेलो कंगना जी, नमस्कार. रेखा खान नवभारत टाइम से. हाय रेखा जी. जी, सबसे पहले मैं पूरी टीम को बहुत बधाई देना चाहूँगी. बहुत ही खूबसूरत और दिल को छू लेने वाला ट्रेलर है. और फिल्म में हमने देखा कि एक वुमेन एम्पावरमेंट की बात है. इन दिनों हम देख रहे हैं कि एक वुमेन एम्पावरमेंट का जो एक ट्रेंड है या एक हवा है या एक कहें कि एक बहुत ही पहल चल पड़ी है. बहुत अलग अलग तरह से लोग वुमेन एम्पावरमेंट को परिभाषित करते हैं. आप खुद एक सेल्फ मेड अभिनेत्री हैं, आपके लिए वुमेन एम्पावरमेंट की डेफिनेशन क्या है? आई थिंक वुमेन एम्पावरमेंट की डेफिनेशन हर एक की अपनी अलग होती है. कुछ लड़कियों को लगता है, मैं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल लड़कियों के भी ऐसे फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे कोट्स पढ़ती हूँ, ऐसी बातें सुनती हूँ कि हम क्यों डिज़र्व करते हैं हीरोज़, यू नो दे गेट यू सो मच ओपनिंग, दे गेट यू दिस एंड दैट. तो ऑब्वियसली वो हमसे ज़्यादा पैसा डिज़र्व करते हैं. एक लड़की की शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है. सो इफ़ यू डोंट फील एम्पावर्ड, नोबडी कैन मेक यू फील एम्पावर्ड. तो हमेशा हर एक की अपनी डेफिनेशन होती है. यू हैव टू फील लाइक एन इक्वल. आपको खुद लगना चाहिए कि मुझ में कोई कमी नहीं है. मुझे भी भगवान ने पेनक्रियाज, किडनीज, हार्ट, आई सब दिया हुआ है. अगर यू नो नहीं भी मुझ में फिजिकली कोई कमी भी होती तो मैं किसी तरह से मेरे सेंस में एज ए ह्यूमन बीइंग कोई कमी नहीं है. दैट शुड बी योर फीलिंग, देन ओनली यू कैन बी एम्पावर्ड. अगर आप खुद एम्पावर्ड फील नहीं करते हैं तो कोई फिल्म, कोई कोट, कोई भी आपको कोर्स एम्पावर्ड फील नहीं करा सकता है. सो आई ऑल आई वॉन्ट टू टेल द वुमेन दैट लुक इन टू द मिरर एंड क्या कमी है आप में, क्यों हम लोग एम्पावर्ड फील नहीं करते हैं. आई थिंक आधे से ज़्यादा बैटल तो वहीं लूज हो जाता है जब आपको लगता है कि आप डिज़र्व नहीं करते हैं. तो आई जस्ट फील यू आर एज एम्पावर्ड एज यू थिंक यू आर.